या आपका मोबाइल है जो काफ़ी स्मार्ट है आपके आज के लैपटॉप या कंप्यूटर से। एक टाइम था जब लैपटॉप्स या डेस्कटॉप के लिए स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड बनाया जाता था, बट आजकल एंड्रॉयड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट चल रही है। तो एक तरह से ना लैपटॉप और कंप्यूटर का साइड आउट कर दिया गया, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड नहीं बन रही है उतनी ज़्यादा। तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लाइक गेम्स खेलने के लिए, बहुत सारे एडिटिंग के लिए, बहुत सारे मैसेंजर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो सारे कंप्यूटर में भी यूज हो जाए। लाइक अगर आप गेम खेलते हो, इंडिया में जानते ही हो कि गेम्स जो मोबाइल गेम्स है कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो चाहते हो कि आप वो गेम्स को अपने कंप्यूटर में भी चला सको, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव आपके कंप्यूटर के लिए बनाया नहीं गया है। तो आप चाहते हो कि उसको इमुलेट करके चलाएं। नेक्स्ट कि एंड्रॉयड के लिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो दिनचर्या, मतलब लोकल जनरल दिनचर्या के लिए बहुत काम की होती है, लाइक फोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, इमेज एडिटिंग हो गई, या OCR हो गया, वैसे वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आपके डेस्कटॉप पे लेनी है, तो आप वो भी चाहते हो कि अपने डेस्कटॉप में यूज कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैसेंजर, जो कि मोबाइल में मैसेंजर एप्लीकेशन बहुत सारी है, मिलियंस ऑफ, बहुत सारी है, इतना आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, इतनी मैसेंजर एप्लीकेशन है, बट उसके लिए डेस्कटॉप के लिए उसे नहीं बनाया गया है। तो आप चाहते हो कि वो मैसेंजर एप्लीकेशन डेस्कटॉप में भी यूज करें, क्योंकि आप चाहते हो ना, बहुत बार आप अगर डेस्कटॉप में वर्क कर रहे हो तो मोबाइल कहीं और रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप में ही हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें कर ले। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि PC में भी वो सारी सॉफ्टवेयर चल पाए जब हम चाहे तो। सो क्या उसका कोई सोल्यूशन है? वेल, सोल्यूशन तो है। उसके लिए आपको कंप्यूटर पर हो या अपने स्मार्टफोन हो, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे बस हिट करना है और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि एल्गोरिथम जो YouTube की है वो बदल गई है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन नहीं दबाते हो, तो मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी। सो बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चलानी है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है, कैसे न्यू एप्लीकेशन उसमें ऐड करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने कोई भी ब्राउजर में, वहाँ पर आपको गूगल में टाइप करना है, सर्च करना है नॉक्स प्लेयर। ओके, नॉक्स प्लेयर का जो पहला रिजल्ट आता है जनरली वही पहला वाला एक्चुअल रिजल्ट होगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। सो ये पहला रिजल्ट आ गया, तो मैं इसे अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ये कुल 386 MB की फ़ाइल है, लाइक ये देख सकते हैं, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ये 386 MB की फ़ाइल है, तो आप इसे सिंपली सेव कर लेना आपको जहाँ भी सेव करना है। उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं, लाइक मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। अब मैं जाता हूँ जहाँ पे ये फाइल मेरी सेव है, तो यहाँ पर ये वाली मेरी फाइल सेव है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे डबल क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है, बस सिंपली इसे डबल क्लिक करना है। नाउ आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, आप इसे कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लाइक जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट डी फोल्डर में, डी ड्राइव में जाके सेव होता है, तो आप चाहते हैं कि इसे सी ड्राइव में सेव करना, तो यहाँ पर ब्राउज करके आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे अभी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ डी ड्राइव में ही। तो यह कुछ डेस्कटॉप शॉर्टकट बन जाएगा, टास्क बार आ जाएगा, ओपन एंड स्टार्टअप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। नाउ इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं, तब तक ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है ना थोड़ी हेवी होती है, तो ये आपका अच्छा खासा रिसोर्सेज लेगी। तो अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो इसमें लैग नहीं होगा, अगर थोड़ा सिस्टम पुराना वाला है तो आप थोड़ा लैग फील कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने ऐसी सॉफ्टवेयर आपके लिए लाई है जो कि काफ़ी लाइट है कंपेयर टू अदर इमुलेटर सॉफ्टवेयर, लाइक ब्लू स्टिक्स वगैरह, ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा टास्क किए जा सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, तो मैंने उसे अवॉइड किया है। मैंने इस नॉक्स प्लेयर को इसीलिए चूज करा है क्योंकि थोड़ी लाइट है कंपेयर टू अदर इमुलेटर एप्लीकेशन। नाउ आपके पास ये स्क्रीन पर दिख गया है एंड्रॉयड जैसा इंटरफेस,
तो आपके पास अगर एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है या सेम ईमेल आईडी है तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉक्स प्लेयर का इंटरफेस आपको दिख रहा है, कुछ टैबलेट जैसा दिख रहा है। अगर आप इसे चाहते हैं कि मोबाइल की तरह यूज कर पाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तीन नेविगेशन मिल जाते हैं, जो कि मोबाइल में आपको नेविगेशन मिलता है। यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ से होम में जा सकते हैं, यहाँ इससे बैक जा सकते हैं, और लगभग सेम ऐसा ही होता है। तो क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हुई है यहाँ पर आपको शो कर देगा। ओके, सो इसे हम पहले होम में जाते हैं। आपको थोड़ी सी जैसे आपको कोई बाहरी एपीके इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से ये एपीके इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+5। तो आप यहाँ से कोई बाहर में आपके पास .apk फाइल है तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लीनअप का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम वगैरह के लिए यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारी कीसेट जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारी की सेट आपको मिल जाती है, आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो। यहाँ पर अगर आपको कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करनी है, उसका APK फाइल लाके डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर में उसे सर्च करें तो यहाँ पर डायरेक्टली ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं व्हाट्सएप सर्च करता हूँ, लाइक यहाँ पर आपने देखा कि प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट वंस करते हैं तो यहाँ पर आपका प्ले स्टोर में ऑटोमेटिकली वो ऐप ओपन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो वो नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप कोई और एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं अब सर्च करता हूँ टेलीग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन आ गया। तो आप इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर आपको कुछ सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, लाइक कंट्रोलर हो गया, आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। लाइक आप मोबाइल की तरह यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल की तरह यूज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में। यहाँ आपको कुछ मेन्यूज़ मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप रिकॉर्डर एप्लीकेशन, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से दी हुई है तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर टू फिंगर शॉर्टकट्स है, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है और शेक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से APK इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल असिस्ट वगैरह, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, की वगैरह सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल गेम्स के लिए। तो यहां ये सारी एप्लीकेशन आपको यहां पर मिल जाते हैं। बाकी सेटिंग यहां पर जो आपको सेटिंग वाला गियर आइकन है यहां पर आप देख सकते हैं। लाइक आपको जनरल सेटिंग करनी है तो रूट करना है तो आप रूटेड चीज़ भी यहां पर यूज कर सकते हैं। स्टार्टअप में अगर आप इसको लॉन्च करना कर सकते हैं। परफॉर्मेंस यहां पर आप बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम के अनुसार। यहाँ पर इंटरफेस सेटिंग है तो आप यहाँ पर डार्क मोड वगैरह, यहाँ सब बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर ऐड आउट कर सकते हैं। साउंड सेटिंग है, गेम सेटिंग आप स्पेसिफिकली उस गेम के लिए यहाँ पर दिया ही हुआ है अलग से सेटिंग। फ़ोन एंड मॉडल इंटरनेट, आप यहाँ पर फ़ोन का मॉडल बदल सकते हैं तो आपका जो लुक है ना थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आपके मॉडल बेस्ड होती है तो वो सारे मॉडल आप यहाँ पर ऐड करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्लीन एंड बैकअप का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। शॉर्टकट सेटिंग से आप अपने अनुसार शॉर्टकट सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये है थीम, तो अगर आपको डिफरेंट थीम यूज करनी है तो आप कस्टमाइज थीम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। कस्टम वॉलपेपर आप चाहते हैं कि ऐड करना तो ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर वीडियो ना अच्छी लगे हो तो डिसलाइक करना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस नोट, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।